दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं इंडिया लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा स्कीम आया है, 10 लाख तक का लोन कोई भी ले सकता है। अगर आप एजुकेशन के लिए आप लेना चाहते हो, चाहे बिजनेस के लिए, किसी चीज़ के लिए ले सकते हो। अब ये लोन कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये लोन कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप रेडी पे कोई फ्रूट बेचते हो, सब्जी बेचते हो, चाहे कुछ भी आप बेचते हो, वो भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लोन है सबके लिए है, सरकारी लोन योजना है। समझ गए? मान लीजिए आपका शॉप छोटा बड़ा कुछ भी हो, 10 लाख तक का लोन आप चाहिए तो आप इस पे ले सकते हो। ठीक है, कई लोगों का ये, आप टेंशन छोड़िए कि आप दोस्तों, मतलब देखिए, ये कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। सरकार ने ये सोच काफ़ी अच्छा रखा है हर किसी के लिए। ठीक है, हर कोई मेहनत कर रहा है। तो मान लीजिए आप रेडी पे मतलब सब्जी बेचते हो, चाहे कुछ फ्रूट बेचते हो, चाहे कुछ भी, ठीक है, छोटा सा बिजनेस है आपका, उसको आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे नया कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, नया कोई रेडी का बिजनेस, चाहे नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो 10 लाख के अंडर में, उसके लिए लोन आप ले सकते हो। ठीक है, इसको कैसे आपको अप्लाई करना है, अपने फोन की मदद से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन लोन आप लेना चाहते हो, वो भी इसके तहत ले सकते हो, इस योजना के तहत ले सकते हो, पीएमईजीपी, इस लोन योजना के तहत, सरकारी लोन योजना के तहत आप ले सकते हो, एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, यहाँ पे किसान कार्ड भी है वो भी ले सकते हो, वो भी आपको बताऊंगा अच्छे से। 10 लाख तक का लोन, इसे अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके पास होना चाहिए आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, बस यही काफ़ी है। इसी की मदद से आप अप्लाई कर सकते हो कहीं से भी, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस समझो कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे कैसे ये फॉर्म फिल होगा, वो पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो ये आपके पास जो भी फ़ोन है वो अपने हाथ में रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है वेबसाइट का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए पी देखते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं पीएमईजीपी, ठीक है, सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ये वेबसाइट आ जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, लास्ट में आपको जाना है इस वेबसाइट पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चलना कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखते हैं, इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा। देखते हैं जन समर्थ, क्या नाम है, समर्थ, मान वहाँ पर चाहता हूँ कुछ गलत बोलाऊँ तो, ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको आना है। तो यहाँ से कहाँ गए भैया, बैक चलते हैं, फिर दोबारा सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ से आते हैं, सही से एक बार तसल्ली देखो, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ आपको, बहुत सिंपल से फ़ोन से अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। मेरे पास फ़ोन है, लैपटॉप भी नहीं है, लैपटॉप से भी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो, बस फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है उससे आप दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जैसे ही आएंगे देखते हैं पीएम मोदी का, पीएम मोदी जी का यहाँ पर आ चुका है पूरा पिक्चर, जो अपने पीएम है उनका आ चुका है। यहाँ पे 12 स्कीम है लोन, यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है 200 से प्लस इनके जो भी हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पहला में एजुकेशन लोन भी है, अगर आप पढ़ाई के लिए लेना चाहते हो लोन तो आप ले सकते हो 10 लाख तक का मतलब लोन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद देखते हैं, इसके तहत भी आप 8 लाख से भी लगभग 10 लाख तक का लोन ले सकते हो एजुकेशन लोन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों हम कि आप कैसे आप बिजनेस लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन भी अप्लाई कर सकते हो, एजुकेशन लोन के बारे में जानना है तो यही प्रोसेस है, लेकिन आप कहते हो स्पेशल तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा अलग से। तो ये रहा एजुकेशन लोन। एग्रीकल्चर के लिए देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, अगर आप एग्रीकल्चर में किसान हो, आप मतलब खेती वगैरह करते हो तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड होता है, वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इस लोन में बहुत सारी चीज़ आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ देखते हैं बिजनेस, देखते हैं यहाँ पे बिजनेस लोन में 6 स्कीम है, बिजनेस लोन में 6 स्कीम है यहाँ पे देखेंगे। एजुकेशन लोन में बात करें, एजुकेशन लोन में सिर्फ 1 स्कीम यहाँ पे दिया गया है, स्कीम जो है एक ही स्कीम आपको दिख जाएगा, एक स्कीम एक ही, लेकिन जो किसान का जो क्रेडिट कार्ड है वो भी इस पर एक ही स्कीम दिख जाएगा, और यहाँ पे भी इस पे 2-3 स्कीम दिख जाएगा, लेकिन दोस्तों बिजनेस में आपको 6 स्कीम दिख जाएगा, यानी बिजनेस लोन हर कोई ले सकता है। अब यहाँ पर जैसे ही बिजनेस लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोन देखते हैं, न्यू स्टार्टअप, या देखते हैं ये कह रहे हैं कि लोन मतलब लोन आप किसी के मतलब जैसे कि नए बिजनेस खोलना चाहते हो, चाहे पहले से कोई आपका बिजनेस है उसके लिए भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सोशल मतलब देखते हैं बहुत सारे लोग ले सकते हैं, यहाँ से स्कीम का फायदा उठा सकते हैं लोन। तो ये बेफिक्र रहिए, डॉक्यूमेंट ज़्यादा आपको नहीं लगने वाले, मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही काफ़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देखते हैं इन चयनों का मतलब, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे आप सफाई क्रम देखते हैं, मेनू फल सफाई क्रम कर्मियों के लिए दिया गया है, जो भी इसमें से आप हैं, जैसे कि मान लीजिए सड़क, जो सड़क पर मतलब बिक्री करते हैं रेडी पे, देखते हैं फेरी वाले के लिए, जैसे कि मान लीजिए सड़क पर, जैसे कि रेडी जो आपके पास रेडी है फल फ्रूट सब्जी बेचते हो आप,
ठीक है, तो उनके लिए भी ये चीज है, यानी हर किसी के लिए ये है ये, ठीक है। अगर इनमें से आप कोई नहीं है, जैसे कि मान लीजिए पर्सनली इनमें से आप नहीं है, तो हिंदी में कर लेना आप जो भी जैसा, तो यहां से आप अदर पे क्लिक करना। अदर पे क्या होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप इनमें से अगर नहीं हो तो अदर पे क्लिक कर देना, इनमें से अगर हो तो इनमें से आप क्लिक कर लेना, जो भी आपके पास बिजनेस है छोटा सा मतलब है, तो यहाँ 10 लाख तक कैपेसिटी का लोन लेना चाहते हो बिजनेस, इतना तो ले सकते हो। तो इसी अदर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ अदर पे, तो अदर पे मैं क्लिक करने के बाद देखते हैं यहाँ क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि आप इस आपके पास जो बिजनेस है वो नया खुल रहे हो कि या फिर पहले से है। तो यहाँ पे पहले से, तो इस पे क्लिक करना, नया है तो यहाँ से क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे आप क्लास मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपने 8वीं पास की है, तो यहाँ पे अगर नहीं की है तो नो क्लिक करना, की है तो यस क्लिक करना, तो यस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, नो है तो नो पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे इसके अंडर आप आते हो तो आप यस करना, नहीं तो नहीं, ठीक है। पहले से देख लेना ये चीज़ क्या होता है, इसके अंडर आते हो तो यस करना, नहीं तो नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेना, ठीक है, जो भी हो। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग, जैसे कि मान लीजिए बिजनेस आपका क्या करते हो, तो अदर में जो आपने क्लिक किया बिजनेस सर्विस है, तो बिजनेस सर्विस पे क्लिक देना, ट्रेडिंग करते हो ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना, जो भी हो। यहाँ पे आप यहाँ पे जेंट्स हो, मेल हो, फीमेल हो, चाहे अदर, ठीक है, जिसकी मेल हो, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये उसके बाद उसको सेलेक्ट यहाँ पे सोशल मतलब जनरल, तो यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप क्रेडिट में आते हो तो जनरल पे मैंने क्लिक किया, जनरल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सो इनमें आप हो ना, तो यहाँ से क्लिक कर लेना, तो यहाँ से अगर है तो है, मतलब जो भी हो यहाँ पे पहले पढ़ लेना इसको सही से, तो ये अगर आपको सही लगता है जो भी हो, यहाँ पे दिया गया है यू आर, यहाँ पे सर्विस मैन ऑफ, यहाँ पे इसमें आप आते हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक लोकेशन लिखा हुआ है कि इस लोकेशन में हो तो यस करना वरना नहीं। देखते हैं यहाँ पे आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है इस एरिया, जैसे कि बॉर्डर, जैसे कि बॉर्डर के एरिया, ठीक है, और बाकी यहाँ पे उत्तराखंड वगैरह जो भी यहाँ पे एरिया दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर में हो आप तो यस करना, इसके अंदर में नहीं हो आप तो नहीं करना। इस शहर से अगर नहीं हो, मेरे मतलब इन्होंने कहा सीधे सीधे करें कि बॉर्डर का एरिया जो होता है मतलब पहाड़ी एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया के अंडर हो आप तो इसमें सारा लोकेशन दिया है तो यस करना, वरना नो करना, नहीं मैं इस एरिया में नहीं आता हूँ, नो कर दिया, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इस लोकेशन में आते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर जो भी आप आते हैं तो इस पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ से आप आते हैं इंडिविजुअल, बिजनेस क्या है कि इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्लिक करना, यहाँ पे मेरा बिजनेस इंडिविजुअल है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जैसे कि देखते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है आपका, जो नया बिजनेस आप खोलना चाहते हो, कुछ भी आप बिजनेस, फल फ्रूट का, चाहे सब्जी का, चाहे किसी चीज़ का बिजनेस, चाहे छोटा सा स्टोर खोलना चाहते हो, उसका बजट क्या जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख का लोन मिला, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ से 10 लाख तक का हमारा बजट जा रहा है, चाहे हमारा जा रहा है, हमारा मान लीजिए कि 8 लाख का बजट जा रहा है। देखते हैं ये हमारा 8 लाख का बजट जा रहा है, 8 लाख रुपए लिख दिए। अब आप इसमें जैसे कि मान लीजिए जो बिजनेस आप खोल रहे हो उसमें आप इन्वेस्ट भी तो करोगे, इन्वेस्ट तो उस पर आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस पर इन्वेस्ट करूँगा 1 लाख रुपया, क्योंकि मेरे पास बजट है 1 लाख का, तो टोटल मेरे को 7 लाख का लोन का रिक्वेस्ट है। जैसे कि मैं 8 लाख का लोन अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को मिलेंगे 7, जैसे कि टोटल एस्टिमेट जो होता है ना बिजनेस का, तो उसमें एस्टिमेट आपको बताना पड़ेगा कि एस्टिमेट मेरा 8 लाख का जा रहा है, उसमें इन्वेस्ट भी करोगे, जैसे कि बिजनेस खोलो तो इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पर मान लीजिए इन्वेस्ट अगर आप पास 1 लाख रुपये नहीं है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 5,000 भी डाल सकते हैं आप, मान लीजिए कि 5,000 भी डाल सकते हैं, चाहे 50,000 भी डाल सकते हैं, चाहे जितना भी एस्टिमेट हो आपका, जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 हमने डाल दिया इस पर, कि 10,000 एस्टिमेट है, तो इतना तो नहीं होता किसी के पास, जिसके मान लीजिए होगा भी तो इतना मिनिमम लोगों को, तो मान लीजिए हम 25,000 एस्टिमेट है मेरा, 25,000 मैंने डाल दिया, तो अब यहाँ पर मुझे लोन मिलेगा 7,75,000 का, मुझे लोन की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखिए कि यहाँ पे हमें सब्सिडी भी मिलता है। सब्सिडी कितने साल पे मिलता है ये सब आपको कोई बताएगा नहीं, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 लोन मिला हुआ है, ठीक है, शायद इन्होंने सब्सिडी दिया ही नहीं मुझे अभी, ठीक है। चलिए बात कर लेते पहले, बैक आते हैं, बैक आने के बाद दोबारा हम यहाँ से क्लिक करते हैं, तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, आपको बता दूँ
आपको एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, सही से आपको जानकारी देने वाला हूँ मैं आपको जो भी हो, ताकि आपको सही से नॉलेज मिल सके। बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इंडिविजुअल हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ मैं 5 लाख रुपये, 5 लाख मैं कर लिया, ठीक है। एस्टिमेट मेरा 25,000 का, एग्जाम्पल मैं अब यहाँ से अप्लाई नहीं हुआ है तो यहाँ पे लोन मेरा 4,75,000 मिलेगा। तो यहाँ से क्लिक करते हैं, तो यहाँ से इन्होंने फिर दोबारा यहाँ पे इन्होंने मुझे दिया है कम से कम। अब देखिए लोन यहाँ पे किशोरी अवस्था और यहाँ पे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट बढ़ा के देखता हूँ, ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ मैं दूसरा चीज़ दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा चीज़ है आपके लिए, तो थोड़ा सा देखिए सही से आप समझिए एक बार, तो मज़ा आएगा, काफ़ी आपको जानकारी सही मिलेगी जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ से मेरी इंडिविजुअल हो गई और यहाँ पे हो गई हमारी, मान लीजिए कि हमने 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख का 1 लाख का हमें इन्वेस्ट मैंने कर दिया, 1 लाख रुपये, 4 लाख रुपये मिल गया। क्लिक करते हैं, अब देखिए कि जैसे कि इन्वेस्ट जिस तरीके से करोगे ना अपने बिजनेस में, अमाउंट ज़्यादा लगा के इन्वेस्ट करोगे, लगभग मैंने 5 लाख का लोन लिया, 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे दो तरीके देखते हैं, दो अमाउंट मुझे लोन मिल गया, दो, ठीक है, दो। तो इसमें क्या है, देखिए कि अब इसमें क्या है कि सब्सिडी, यहाँ पे देखिए मैं यही चीज़ देखना चाहता हूँ, देखते हैं यहाँ पे सब्सिडी जो है 75,000 का सब्सिडी मुझे मिल जाएगा अगर 15 साल के लिए मैं लेता हूँ, तो 15 साल के लिए 4 लाख का मुझे लोन मिलेगा, सब्सिडी 15,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे और मंथली के 4,060 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, टोटल 9% के हिसाब से ब्याज लगेगा, 15 साल के मुझे पे करना पड़ेगा। तो आप देख लेना कितना आपको पे करना पड़ रहा है 15 साल के लिए। और दूसरा जो लोन है यहाँ पर देखते हैं 4 लाख का लोन मिला लेकिन सब्सिडी यहाँ पर नहीं है मेरे पास। यही चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा करते हैं, अमाउंट लगाते हैं ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए मैंने 25,000 लगाया था, उसका आप 1 लाख लगाओ चाहे 50,000 लगाते हो बिजनेस में अपना, जो 10 लाख का लोन लिया तो 1 लाख रुपये लगाओ आप, तो यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सब्सिडी यहाँ पे नहीं मिली है कि यहाँ पे, क्योंकि ये दे रहे हैं 5 साल के लिए दे रहे हैं, 8,500 रुपया मुझे किस्त भरना पड़ रहा है और यहाँ पे 4 लाख का लोन मिलेगा, तो सब्सिडी नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए कि मुझे ये अच्छा लग रहा है 15 साल के लिए सब्सिडी मुझे मिल गया 15 साल के लिए, दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। अगर ब्याज लगाओगे तो ये भी ज़्यादा पड़ जाएगा 15 साल के लिए, तो यहाँ से लोग 15 साल के लिए क्लिक करते हैं, तो यहाँ 15 साल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर आपको इंटर करना पड़ेगा, कैप्चर को डालना पड़ेगा, लॉगिंग कर लोगे, लॉगिंग आप जैसे ही कर लोगे उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट आपको, यहाँ से बता दूँ, जैसे ही लॉगिंग कर लोगे डायरेक्ट आपको यहाँ पे फॉर्म वॉर्म सबमिट करने का, आप देख लेंगे कि फॉर्म वॉर्म कैसे भरा आपने, जैसे कि आपका फॉर्म वॉर्म सही है कि नहीं, वो सब चीज़ देखने के बाद आपको लेके चले आएंगे यहाँ पे, देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आपको आ जाएंगे। तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे न्यू यूनिट पे क्लिक करना है और यहाँ से आके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ तक कुछ नहीं करना, वहाँ तक बस आपको जो मैंने बताया था वहाँ तक वही करना है, बस खाली बेसिक डिटेल भरना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको आधार नंबर, जो पैन कार्ड नंबर, बेसिक डिटेल जो भी हो सब यहाँ से, पता वगैरह जो भी आपका बैंक का पता क्या है, जो भी हो जिस बैंक में ये फॉर्म जमा करोगे उसका पता भी डालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका है, जैसे कि ये जो है गवर्नमेंट स्कीम है तो गवर्नमेंट बैंक दे रही है, तो गवर्नमेंट बैंक आपके पास है तो गवर्नमेंट बैंक कैसे मालूम चलेगा कौन कौन से बैंक है आपके पास, तो पहले बैंक में जाके पता कर लेना, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बैंक है आपके पास कि ये लोन मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो आप अप्लाई कर लेना, वहाँ से अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म भर के देखते हैं, ये फॉर्म छोटा सा भर के, ये भरने के बाद इसका PDF निकाल के आप बैंक में ले जाके दे देना, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि PDF निकाल के अपना बैंक, मतलब जो बैंक है वहाँ पर जाकर जमा कर देना, वहाँ से क्या होगा वो चेक करेंगे कि भैया आप बिजनेस कहाँ खोल रहे हो, पता होता करेंगे, ठीक है, कि एस्टिमेट क्या आप सही चीज़ है, सही चीज़ मिल रहा, तो आपको वो अप्रूवल दे देंगे, तो बैंक का इंस्टेंट पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। इस तरह से अपना बैंक के लिए जो भी चीज़ है ना, हर चीज़, जो भी बैंक डिटेल, जो भी फॉर्म है, ये सही से पूरा भर देना। इस तरह से ये लोन का फ़ायदा आप उठा सकते हो, ठीक है, कोई भी इस लोन को ले सकता है, आप बेफिक्र रहिए, इस लोन के लिए आपको ज़्यादा किसी से मतलब जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, घर में कोई है आपका तो उससे आप खुद अप्लाई करवा सकते हो, चाहे आप खुद कर सकते हो तो खुद भी कर सकते हो, हमारा काम आपको सही जानकारी देना। तो यहाँ पे स्कीम का बहुत सारे हैं चीज़, वो भी देख सकते हो, इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा,
और इनका टोल फ्री नंबर है, तो यहाँ से कर सकते हैं बात भी, जानकारी ले सकते हैं इनका, ठीक है। इस तरह दोस्तों इस लोन का फायदा उठा सकते हो आप, कोई भी लोन इस पे ले सकता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको सही लगी। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, डिजिटल सही जानकारी देना, जो कि मैंने आपको जानकारी दी है। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।